हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं फिर इंग्लिश वोकैब में 10 नए वर्ड लाई और जो आपको बहुत मदद करेंगे आपको कंपटीशन की तैयारी में। तो आइए हम अपना पहला वर्ड देखते हैं जो कि है रिवर्ट। रिवर्ट मतलब होता है पुरानी स्थिति में वापस लौटना। रिवर्ट का मतलब होता है पुरानी स्थिति में वापस लौटना। दूसरा वर्ड है हमारा डिबेकल। डिबेकल मतलब पराजय और डिफीट। तीसरा वर्ड है हमारा रिवल्जन। रिवल्जन का मतलब होता है घृणा, घृणा या डिस्टेस्ट, हैट्रेड भी कह सकते हैं हम। चौथा वर्ड है गैस्प। गैस्प मतलब जोर जोर से सांस लेना। पांचवा वर्ड है सेनिटी। सेनिटी का मतलब होता है समझदारी या इंटेलिजेंस। छठा वर्ड है हमारा प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बड़ी मात्रा में या एबंडेंट, कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है तो उसे हम प्रोफ्यूज कहते हैं। सातवां वर्ड है डिवोर। डिवोर मतलब होता है लालच से खाना। इसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ही डिवोर्ड हाफ ऑफ हिज सैंडविच इन वन बाइट। वो अपने सैंडविच को, अपना हाफ जो उसका आधा सैंडविच था, एक ही बार में खा गया। मतलब इतना, मतलब लालच से, मतलब उसको सैंडविच इतना पसंद है कि मतलब वो हाफ ऑफ द सैंडविच जो था वो एक ही बाइट में खा गया, एक ही कवर कॉर्न में खा गया। आठवां वर्ड है डिसमल। डिसमल का मतलब होता है अति निराशाजनक। नौवां वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, रिलायबल, जिस पर हम भरोसा कर सकें। दसवां वर्ड है ड्रॉलॉट्स। ड्रॉलॉट्स का मतलब होता है लॉटरी निकालना। यदि हम कोई चीज़ पर्ची से कुछ चुनाव करते हैं उसको लॉटरी बोलते हैं, तो ड्रॉलॉट्स का मतलब लॉटरी निकालना होता है। तो ये होता है, ये हमारा आज का रहा 10 वर्ड। तो आप इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और इसे डे टू डे लाइफ में जितना हो सके आप यूज़ कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।